तो ज्योमेट्री का टाइप 5 में आते हैं, परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर जिसको कहते हैं। कहता है किसी त्रिभुज के भुजा के लंब समद्वि भाजक जहाँ पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो पहले हम आते हैं कि लंब क्या होता है और समद्विभाजक क्या होता है। अगर सिर्फ कहा जाए कि लंबवत, तो लंबवत का मतलब होता है सिर्फ ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। लेकिन अगर कहा जाए लंब समद्विभाजक, इसका मतलब होता है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो पूरे पूरी 5 सेंटीमीटर पे कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं लंब समद्विभाजक। मतलब जितनी भी लंबाई है, जितना भी लंबाई है उसको आधा भाग में, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, उस पॉइंट पे 90 डिग्री कौन बना दिए, ठीक है, यही हो गया लंब समद्विभाजक। मतलब इसको दो बराबर भाग में बांट दिए 90 डिग्री से, ठीक है, तो लंब समद्विभाजक हो गया। तो लंब समद्विभाजक कहता है लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, इसका लंब समद्विभाजक ये हो गया, इसका लंब समद्विभाजक क्या हो गया, ये हो गया, और इसका लंब समद्विभाजक ये हो गया, यही क्या कहलाया मेरा, परिकेंद्र, जिसको आप कहते हैं सर्कम सेंटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। ये जितनी लंबाई होगा उतना ही लंबाई ये होगा, क्योंकि लंब समद्विभाजक हुआ है, जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई ये होगा, जितनी लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई ये होगा। कहने का मतलब हुआ अगर ये एम है, एन है और ये एल है, तो ए एल और बी एल दोनों की लंबाई क्या होगा, सेम होगा। बी एम और एम सी दोनों की लंबाई सेम होगा। ए एन और एन सी दोनों की लंबाई सेम होगा। क्योंकि लंब समद्विभाजक का मतलब होता है ये जो है भुजा जो है इसका दो बराबर भाग में बांटते हुए, लंब तो समझे दो बराबर भाग में बांटते हुए लंब समद्विभाजक करेंगे, इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे बराबर बराबर हिस्सा में, इसको भी दो बराबर भाग में बांटेंगे, ठीक है। त्रिभुज का परिकेंद्र शीर्ष से समान दूरी पर होता है, तो ये परिकेंद्र हो गया जिसको आप कहते हैं सर्कम सेंटर, जिसको हम ओ से डिनोट किया है। तो ए से ओ के बीच की दूरी जितना होगा उतना ही दूरी बी और ओ के बीच में होगा, और उतना दूरी ओ और सी के बीच में होगा। तो कह रहा है कि त्रिभुज का परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है। शीर्ष से क्या होता है, समान दूरी पे होता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझेंगे। कह रहा है कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। पहले तो हम देखते हैं क्या, ठीक है, एक ही चाप के द्वारा, चाप होता क्या है, जिसे मान लीजिए ट्रायंगल ही क्या हो गया मेरा, ए बी सी, तो ए बी सी का इसका चाप क्या हो गया, मेरा ये हो गया चाप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। और एक ही चाप के द्वारा ये भी बना हुआ है, इस त्रिभुज का भी यही चाप है, और इस त्रिभुज का बात करें तो यही चाप है। तो एक ही चाप के द्वारा बने, कहता है एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, एक ही चाप के द्वारा, यही चाप है BC, इसी चाप के द्वारा क्या बन रहा है, बी ए सी भी बन रहा है, और इसी चाप के द्वारा बी ओ सी भी बन रहा है, ठीक है। तो कहता है एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर कौन कौन बन रहा है, बी ओ सी, ये केंद्र पर बन रहा है, ठीक है, ये केंद्र पर बन रहा है, बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो परिधि पर कौन कौन बन रहा है, ये बन रहा है, इसको आप कह सकते हैं बी ए सी, तो बी ए सी इसका क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
दो गुना हो जाएगा, ठीक है। स्पष्ट कह रहा है थ्योरी में कि एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप है BC, यही चाप हुआ, एक ही चाप के द्वारा BAC भी बन रहा है और इसी चाप के द्वारा BOC भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ दो एंगल बन रहा है तो एक एक परिधि पे बन रहा है, तो परिधि पे एंगल कौन बन रहा है, BAC एक परिधि पे बन रहा है और एक कहाँ बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, BOC कहाँ बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। तो कह रहा है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा BOC, परिधि पर बने कोण का, तो परिधि का बने कोण कितना हो जाएगा, BAC, तो BOC जो होगा वो क्या होगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो परिधि पर जितना कोण बनेगा उसका दुगुना क्या होगा, केंद्र पर बना कोण होगा, मतलब केंद्र पर बना कोण जो होता है BOC, ये परिधि पर बना कोण का मतलब BAC पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है, ठीक है। तो BOC ये जो एंगल होगा इसका क्या होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि O, यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ठीक है, परिकेंद्र है और BAC इक्वल टू 55 डिग्री दिया है, तो BOC का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। A B C तो ये कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, BOC, तो आप तो जानते हैं कि एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा, केंद्र पे बना कोण क्या होता है, परिधि का दुगुना होता है। ये 55 है, इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 110, तो 2 into BAC तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 55 तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है, राइट। इसी में अगर ये पहला क्वेश्चन, अगर इसी में हम दूसरी क्वेश्चन का बात करें कि यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और BOC 120 डिग्री है, तो BAC का मान ज्ञात करें, ठीक है। A, B, C. इस बार BOC ही दिया हुआ है कितना, 120। हम जानते हैं इसका ही क्या होता है, आधा होता है, ये जो होता है इसका दुगुना होता है। अगर ये 120 है तो ये कितना डिग्री हुआ होगा, 60 डिग्री, तब तो इसका दुगुना 120 हुआ। तो कह रहा है कौन, BAC निकालने, BAC निकालने, आप इसको लिख सकते हैं BOC इक्वल टू 2 BAC। BOC कितना दिया हुआ है, 120 इक्वल टू 2 BAC और ये कितना बार में कटेगा, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं BAC इक्वल टू 120 और BAC इक्वल टू 120 बाय 2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। फिर से समझ लेंगे कि एक ही चाप द्वारा, चाप क्या है, यही BC है, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये जो BOC केंद्र पर कोण बन रहा है BOC, परिधि पर बने कोण का, तो परिधि पर बना कोण क्या है, BAC का क्या है, दुगुना है, मतलब दुगुना है, ठीक है, राइट ऑन।